Hey guys, I am Mohammed Tayyab and welcome to our channel. If you guys have just bought a new guitar, you are at the right place because I will teach you guys how to play a guitar, the very basics of guitar. सबसे पहले हमें गिटार को जाने के लिए पता होना चाहिए, एक अच्छे गिटारिस्ट को पता होना चाहिए कि उसकी गिटार की बॉडी, स्ट्रिंग्स, फ्रेट्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स के ये द साउंड क्रिएटिंग बॉडी ऑफ अ गिटार इज कॉल्ड बॉडी एंड आफ्टर दैट नेक एंड हेड, दिस इज हेड एंड आफ्टर एंड उसके बाद हम इसकी स्ट्रिंग्स के बारे में सीखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इसकी स्ट्रिंग्स के नाम क्या होते हैं और इनकी साउंड कैसी होती है वो भी हम देखेंगे. गिटार की सबसे पहली स्ट्रिंग होती है ई स्ट्रिंग. गिटार की दूसरी स्ट्रिंग को हम कहते हैं बी स्ट्रिंग. गिटार की तीसरी स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं जी स्ट्रिंग. गिटार की चौथी स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं डी स्ट्रिंग. गिटार की पांचवी स्ट्रिंग को हम कहते हैं ए स्ट्रिंग और गिटार की छठी स्ट्रिंग को हम कहते हैं ई स्ट्रिंग. ये भी ई कहते हैं लेकिन इसे ई लो कहते हैं क्योंकि इसकी पिच लो होती है और फर्स्ट वाली को ई हाई इसलिए कहते हैं कि उसकी पिच हाई होती है. हम गिटार के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं नेक. नेक का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेट. अभी मैंने फर्स्ट फ्रेट पे उंगली रखी है अपनी, ये सेकंड फ्रेट, ये थर्ड फ्रेट, ये फोर्थ फ्रेट, ये फिफ्थ फ्रेट और एंड सो ऑन. और आप देख रहे होंगे कि मार्क हुए हैं फ्रेट्स, ये हर ऑड फ्रेट मार्क हुआ होता है आपकी आसानी के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ई फाइव प्ले करें तो आपने सबसे पहले फ्रेट्स काउंट करनी है, फिफ्थ फ्रेट तक आना है, वन टू थ्री फोर फिफ्थ. फिफ्थ फ्रेट पे आपने ई फाइव को पकड़ना है, ई को पकड़ना है और आपने स्ट्राइक करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फिर मैं आपसे कहूँ कि आप जी थ्री प्ले करें तो आप थर्ड फ्रेट पे आएंगे और जी स्ट्रिंग पे आएंगे तो आप प्ले स्ट्राइक करेंगे.